कुछ लव स्टोरी समाज और रिलीजन को दरकिनार करते हुए एक मिसाल कायम करती है और सब लोगों को उन्हें मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद उन लव स्टोरी का इतना दुखद एंड हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IAS टॉपर टीना दाबी और अतहर आमिर के डिवोर्स की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आजकल ये न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर और ट्रेंडिंग है कि इस IAS कपल ने डिवोर्स ले लिया है। और आपको बता देते हैं, इस कपल की लव स्टोरी का एंड ऑफिशियली हो चुका है 10 अगस्त 2021 को, यानी कि लास्ट ट्यूसडे को, जो कि हुआ जयपुर के फैमिली कोर्ट में। मैच्योर होने की वजह से इस कपल ने म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू नवंबर 2020 में एक डिवोर्स फाइल किया था जयपुर के कोर्ट में, और अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। अगर आपको इस कपल की स्टोरी नहीं पता है तो बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। आपको बता देते हैं कि टीना जहां बिलोंग करती हैं जयपुर से, वहीं पर अतहर आमिर कश्मीरी हैं। ये दोनों ही लोग एक ही चीज़ की वजह से लाइमलाइट में आए। दोनों ने ही IUPSC के एग्ज़ाम में क्लियर किया, जहां टीना दाबी ने फर्स्ट रैंक किया, वहीं अतहर आमिर सेकेंड नंबर पर रहे। दोनों ने साथ में ही ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के दौरान ही उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया और अटैचमेंट हो गया। एक साल तक डेट करने के बाद जहां मीडिया की नज़रों में वो पहले ही बने हुए थे और उनके पल पल की खबर मीडिया को थी और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी थी इस कपल के एक दूसरे के साथ आने की, वहीं इन दोनों की लव स्टोरी पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, क्योंकि टीना दाबी बिलोंग करती हैं एक दलित परिवार से और अतहर आमिर बिलोंग करते हैं एक सुन्नी कश्मीरी फैमिली से। हालाँकि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इस कपल ने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए 2018 में जयपुर में शादी कर ली थी और उस शादी में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और यहाँ तक कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी अटेंड किया था। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसको लव जिहाद का नाम दे दिया था, क्योंकि टीना हमेशा से ही सोशल हैंडल पर काफ़ी एक्टिव रही हैं और जब वो रिलेशनशिप में थी तो उन्होंने क्लियरली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा था कि आई एम इन द रिलेशनशिप विद अतहर आमिर खान। इन सब चीज़ों के बावजूद भी टीना दाबी ने शादी के बाद अपने नाम के आगे खान लगाया और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने बायो में ये भी मेंशन किया कि वो अब एक कश्मीरी बहू हैं। पर धीरे ही धीरे सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद उन दोनों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ने लगी और 2020 में उन दोनों ने खुद ही म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया। जैसे ही डिवोर्स फाइल की खबर मीडिया में आई, सब लोगों को बहुत शॉक लगा, क्योंकि उन दोनों को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो एक मिसाल थे कि कैसे आप रिलीजन को दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई और अपने टैलेंट के बलबूते पर एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं। ये खबर मीडिया में आते ही टीना ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा था कि पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू नो मैटर व्हाट टू डू, यानी कि लोग तो आपके बारे में बातें करेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तो आपको वो करना चाहिए जो आपको खुशी दे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसके अलावा टीना दाबी और अतहर आमिर ने अपने डिवोर्स से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही है। आपको बता देते हैं कि सोशल हैंडल पर जहां टीना दाबी ने अपने बायो में से कश्मीरी बहू भी हटा दिया है और अपने सरनेम के पीछे से खान भी हटा दिया है, वहीं अतहर आमिर ने टीना दाबी को अनफॉलो भी कर दिया। मामला चाहे कुछ भी हो, बट इस तरह के कपल की लव स्टोरी को टूटते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।